तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे और आज हम बात कर रहे हैं टाटा टिगोर और इसके सारे फीचर्स प्राइस इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं तो इंजन इसके अंदर 1.2 लीटर रिवोट्रॉन वाला इंजन इस कार के अंदर आपको मिलेगा 1199 cc वाला। फ्रंट पर देखेंगे तो टाटा का लोगो मिलता है और यहाँ पर लाइट प्रोफाइल में आपको मिलेंगी हेलोजन लाइट और इसके अंदर LED टेल लाइट मिल जाएंगी और इसी में फोग लाइट भी देखने को मिलेंगी। नीचे से कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिलता है और यहाँ से हम देखेंगे एक एक चीज़ में इसकी बताने वाला हूँ। 14 इंच के एलॉय व्हील इस कार के अंदर मिलेंगे, व्हील कवर मिलेंगे और फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएंगे और इसमें अलॉय व्हील नहीं मिलते और ऊपर की साइड में वाइपर मिलते हैं और यहाँ पर पूरा सिस्टम काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ब्लैक और वाइट का पूरा कॉम्बिनेशन बोनेट पर मिलता है। रियर व्यू मिरर पर इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, रियर व्यू मिरर आपके ब्लैक कलर के हैं। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड स्पॉट वाला यहाँ पर एंटीना देखने को मिल जाएगा और ड्राइवर डोर को ओपन करते हैं, कीलेस एंट्री यहाँ पर मिलती है। डोर पूरा डुअल टोन में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फीचर्स के नाम पे आपको लॉक अनलॉक का पूरा सिस्टम मिलता है, चारों विंडो पावर का ऑप्शन मिलता है, बोतल होल्डर मिल जाता है एक छोटा सा और स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। 4 स्पीकर इस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे तो काफ़ी अच्छा सिस्टम मिलता है। और यहाँ से देखते हैं तो डैशबोर्ड पूरा डुअल टोन में आपको दिखाई देगा। AC वेंट आपको यहाँ पर मिल ही जाता है, लाइट प्रोफाइल के को जलाने के लिए सिस्टम मिल जाता है। नीचे 3 पैंडल मिल जाते हैं, फ्रंट में बोनेट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से जो है फ्यूल टैंक को ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सीट देखेंगे तो आगे पीछे आप सीट को कर सकते हैं, अंदर बैठकर देखते हैं तो यहाँ पर फ्रंट पर आप देखेंगे तो टाटा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर कुछ स्विच मिल जाते हैं म्यूज़िक सिस्टम को चलाने के लिए लेफ्ट साइड में और अप डाउन इसको हैंडल को आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा एक ग्लव कंपार्टमेंट मिल जाता है, टच मीटर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक और इसमें डिजिटल ऑटोमीटर मिल जाता है। काफ़ी अच्छा सुंदर डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में एक स्विच मिलता है जिससे चारों इंडिकेटर आप साथ में जला सकते हैं। 2 AC वेंट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है म्यूजिक सिस्टम की और यहाँ पर आप लॉक अनलॉक का सिस्टम मिल जाता है, कुछ इस प्रकार से मिलता है। AC को चलाने के लिए, AC को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है और यहाँ पर ऑक्सिलरी इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ स्पेस मिलता है। की कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है इस कार की और की को रख देते हैं। यहाँ पर मिल जाता है गियर लीवर जो 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है। हैंड ब्रेक मिल जाता है और यहाँ पर नीचे की साइड में कप होल्डर मिल जाते हैं, कुछ स्पेस मिल जाता है और ये 12 वोल्ट का एक चार्जर मिल जाता है और सीट बेल्ट को कनेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से हमें पूरा दिखाई देता है। ऊपर की साइड में डे नाइट वाला मिरर मिल जाएगा और यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाते हैं, दोनों साइड में मिरर नहीं है इसमें कहीं पर भी। हैंडल मिल जाते हैं, लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स इस मॉडल में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम दूसरी सीट प्रोफाइल को देखेंगे वहाँ पर क्या क्या मिलता है। और लेंथ इस कार की 3993 mm है, वीड 1677 mm है, हाइट 1532 mm की मिलती है और इसमें सीट 5 लोगों के बैठने की सीट मिल जाती है और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मिलता है जैसा मैंने पहले बताया था। और यहाँ पर सीट पैसेंजर सीट पर चलते हैं, थोड़ा घिच पिच है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं तो इसको करते हैं ओपन और पैसेंजर सीट को। यहाँ पर डोर डुअल टोन में वही मिलता है, कुछ सिस्टम मिल जाता है जैसे पावर विंडो को अप करने का, डाउन करने का और स्पीकर वगैरह वगैरह, ये सारा सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर AC वेंट मिल जाता है और फ्रंट में एक आपको मिलेगा यहाँ पर ग्लव बॉक्स और ये काफ़ी स्मूथ चलता है। और सीट प्रोफाइल को देखें तो आगे पीछे आप सीट को अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं और फ्रंट में ही पैसेंजर में भी आपको एक एयरबैग मिल जाएगा। पैसेंजर सीट पर ऊपर की साइड में एयरबैग मिलता है, कुछ इस प्रकार से सीटें भी आपको देखने को मिलेंगी। सभी सीटों पर हेडरेस्ट मिल जाएंगे और यहाँ पर इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। थोड़ी सी भीड़ भाड़ होने की वजह से मैं फुल अच्छे से इस कार को वॉच नहीं कर पा रहा और यहाँ से करते हैं ओपन पिछली वाली रो को और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो ड्राइवर डोर वाला जो डोर है, ड्राइवर डोर जो है उसको छोड़कर सभी सीटें एक जैसी हैं। यहाँ पर हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल वाले, तो इनको आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट के साथ में कप होल्डर भी मिल जाते हैं
और सभी सीटों पर सीट बेल्ट मिल जाती हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन सेफ्टी के नाम पर भी ये मिल जाता है। सभी सीटों पर हैंडल मिल जाते हैं, पीछे का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस कार के कंफर्ट की, तो पावर स्टीयरिंग मिलता है, एसी और हीटर मिल जाता है, एडजस्टेबल सीटें मिलती हैं जैसा मैंने आपको बताया, और लो फ्यूल वार्निंग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, दो एयरबैग मिलते हैं, सीट बेल्ट वार्निंग का ऑप्शन मिलता है, डोर अजर वार्निंग का ऑप्शन मिलता है, और इसमें क्रश सेंसर मिल जाता है, और इसी के अंदर इंजन चेक वार्निंग का ऑप्शन मिल जाता है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिल जाता है, तो ये मिलता है। रियर में पार्किंग मिल जाती है, कीलेस एंट्री मिलती है, और इसमें ये ही सारे सिस्टम फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर पिछले वाले टायरों के अंदर आपको मिलेंगे, डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, ड्रम ब्रेक मिलते हैं। लाइट प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से, पीछे की साइड में CNG आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये CNG मॉडल है और ये टाटा का लोगो है, और यहाँ पर आपको टिगोर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो और बूट स्पेस ओपन करते हैं, तो यहाँ से बूट स्पेस ओपन हो जाएगा, तो बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। CNG का टैंक है, CNG टैंक इसके अंदर आपको 60 लीटर का देखने को मिल जाएगा, और सेकंड माइलेज इसका पेट्रोल है, तो 35 लीटर का पेट्रोल टैंक भी इस कार के अंदर आपको मिलेगा, और CNG पर 26 का एवरेज ये कार देती है। पीछे की साइड में ग्रिल लगी हुई है, और पिछला जो बम्पर है काफ़ी अच्छा है। PS6 इंजन इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे से कुछ इस प्रकार से है, और ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखती है। पिछले वाला जो पूरा मिरर है, इस पर हमें डिफोगर देखने को नहीं मिलता, और एक लाइट ये पूरे में देखने को मिलेगी, और ऊपर की जो रूफ़ है कुछ आपको मैंने दिखाई ऐसी है, और CNG पीछे लिखा हुआ है, रूफ़ कुछ इस प्रकार से, एंटीना पीछे लग जाएगा इसमें, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो सेकंड फ्यूल है ये पेट्रोल का टैंक इधर मिलेगा। पिछले वाले टायर में मैंने आपको बताया डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, ड्रम ब्रेक मिलते हैं, तो प्रोफाइल तो काफ़ी अच्छी है इस कार की, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इस कार के अंदर आपको ABS सिस्टम भी मिल जाएगा, सेंट्रल लॉक मिल जाएगा, पावर डोर लॉक मिल जाएगा, तो कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर भी इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इस कार के टोटल मॉडल की बात करी जाए, CNG और पेट्रोल को मिलाकर आपको 12 मॉडल इस कार के आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये CNG XZ मॉडल है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके जो फ्रंट लुक है, फ्रंट लुक से बेटर इसका जो है अंदर से पूरा लुक, पूरा केविन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि केविन फ्रंट लुक से ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हैं जैसा फ्रंट लुक है, फ्रंट लुक भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पतला है, लेकिन इसका जो अंदर का जो पूरा केविन है वो काफ़ी सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है बाहर के मुकाबले। पीछे से ज़्यादा सुंदर लगती है, लेकिन फ्रंट से ज़्यादा सुंदर नहीं लगती। लेकिन जो केविन है, सीटों की प्रोफाइल है, डैशबोर्ड की प्रोफाइल है, और इसमें पूरा जो AC वेंट वगैरह वगैरह सब कुछ है, काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, ऐसी ही वीडियो आपको देखनी है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अब हम बात कर लेते हैं इस कार के प्राइस की, तो इसके प्राइस 8,05,000 रुपये के समथिंग एक्स शोरूम देखने को मिलेंगे।